क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और अगर आपको जरूरत पड़ी, ठीक है, जरूरत तो पड़ेगी ऑब्वियसली, तो अगर मुझे रिस्पांस मिलता है, बच्चे विजिट करते हैं चैनल को, और अगर आपको डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे मस्ती करते हैं, पढ़ते वैसे ही नहीं है ना, तो इससे बढ़िया हम 12th क्लास का कंटेंट बनाएं। तो बेसिक्स तो आपके सभी क्लियर कर दिए, पर फिर भी डोमेन और रेंज के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो हम कुछ क्वालिटी क्वेश्चन इसके बाद लेके आएंगे, इसी प्लेलिस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू ए, एक सेट दिया है, एंड एफ मैप फ्रॉम ए टू एन, वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ए क्या है, ए ये रहा। यानी कि आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा क्या, कि ये जो फंक्शन है ये मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, ये मैप कर रहा है सेट ए से नेचुरल नंबर पे, एफ मैप फ्रॉम ए टू नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ए क्या है, इसकी डोमेन, और एन क्या है, कोडोमेन, ठीक है। अब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, सेट ए में आ रहे हैं 9, 10, 11 और 12 और 13। अब आप ध्यान से चेक करिए, इन्होंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको इस बार अजीब सी दी है, कह रहे हैं कि f of n इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब फाइंड द रेंज ऑफ f। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये n क्या है, बच्चों ध्यान से सुनिए, यहीं से आपको पता होना चाहिए n क्या है। n क्या है, f of n का मतलब क्या है, कि फंक्शन में हमको इनपुट n डालना है। एक बात बताओ, इनपुट कहाँ से आते हैं, डोमेन से ही तो आते हैं। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई क्या, कि जो n होगा स्मॉल n, ये बिलोंग करेगा किसको, डोमेन वाले सेट को, और फंक्शन f की डोमेन क्या है, यानी कि n बिलोंग्स टू सेट a। यानी कि n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो जवाब है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एन हो सकते हैं। यानी कि एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, तो एन की वैल्यू 9 हो सकती है, एन की वैल्यू 10 हो सकती है, एन की वैल्यू 11 हो सकती है, और एन की वैल्यू 12 हो सकती है, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 13 हो सकती है। बात समझ में आई। अब वो क्या कहता है, कहता है जब आप इसमें इनपुट एन डालोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ये रहा, क्या मिलेगा, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन मिलेगा आपको। तो समझिए जरा, तो एफ ऑफ n की वैल्यू लेते जाओ, क्या क्या ले सकते हो, 9। तो जब हमने f of 9 निकाला तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n की जगह इस बार क्या है 9। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, f of 9 क्या आना चाहिए, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 आना चाहिए। हाँ भाई, 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टर को मैं पी एफ लिखने जा रहा हूँ शॉर्ट में, प्राइम फैक्टर ऑफ 9। पहले तो 9 के प्राइम फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर करने आते हैं ना, हाँ 9 के प्राइम फैक्टर नहीं कर पाओगे, 3 × 3 और ये, यानी कि 3, केवल 3 ही 9 का प्राइम फैक्टर होता है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज व्हाट, 3, ठीक। अब मुझे बताओ, जब प्राइम फैक्टर ऑफ 9 3 ही है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 ही तो है, तो यही इसका हाईएस्ट है। अगर 2-3 फैक्टर आते तो हम उसमें से हाईएस्ट चूज करते हैं, तो ये 3 है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इनपुट डालो आप 10, यानी कि f ऑफ 10 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। हाँ भाई, 10 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसका, 10 का। 10 के प्राइम फैक्टर बताइए, 2 × 5, एक प्राइम फैक्टर का 2 है और क्या दूसरा, क्या 5 × 5 दे जो 10 होता है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। बात समझ में, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऐसे नंबर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर दें। तो चेक करो, 2 भी तो 10 को डिवाइड करता है और 5 भी 10 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है, लेकिन 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, इसलिए 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं किसके, 10 के। अब इसमें से चेक करो, इन दोनों फैक्टर्स में से हाइएस्ट कौन है, 2 हाइएस्ट है कि 5, कौन बड़ा है, 5। तो इसका मतलब द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज व्हाट, 5। बात समझ में आई। अब एफ ऑफ 11 निकालो, तो बहुत ईजी है, 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 11 का एक ही प्राइम फैक्टर होगा, दैट इज व्हाट, 11। यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज इक्वल्स टू व्हाट, 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 11। बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 12। हाँ भाई, 12 के प्राइम फैक्टर बताइए, 12 के प्राइम फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 बताइए, क्या क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 4 है 12। यानी कि एक तो इसका प्राइम फैक्टर 2 है, 2 को दो बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, एक तो प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा 3 है, 2 और 3 में हाइएस्ट कौन है, 3 है। तो द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज व्हाट, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से एफ ऑफ 13 निकालो, तो 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 का प्राइम फैक्टर 13 ही होगा और वही हाईएस्ट होगा, एक ही प्राइम फैक्टर है, तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज व्हाट,
13. अब आप यहां से आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, ये नेचुरल नंबर का सेट था तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हम तो दिखा भी नहीं सकते तो हमने ऐसे डैश डैश लगा दिया। ये आपके विजुलाइजेशन के लिए हमने दो सेट बनाए हुए हैं बिकॉज ये फंक्शन मैप कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट एन। तो ध्यान से समझिए, जब आप इस फंक्शन में इनपुट 10 देते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, 5। मतलब इस सेट इस फंक्शन में इनपुट कहाँ से लेने हैं, सेट ए से लेने हैं, तो सेट ए के एक एक इनपुट हम इसमें लेते गए, ठीक है, क्योंकि सेट ए फंक्शन की डोमेन है, ठीक, और जो भी इनपुट आप लेते हो तो ये फंक्शन कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है, कुछ ऐसा बनाया गया है फंक्शन कि ये काम क्या करता है, ये क्या ऑपरेशन करता है, ये ऑपरेशन करता है कि जो भी इनपुट दिया उसका हाइएस्ट प्राइम फैक्टर दे देता है। तो 9 आप इनपुट दोगे तो इसका हाइएस्ट प्राइम फैक्टर आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि 9 मैप करेगा किससे, 3 से, ठीक। फिर आपने 10 दिया तो 10 मैप करेगा किससे, 10 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा 5। फिर इसी तरीके से 11 आपने ऐसा इनपुट दिया तो आपको 11 ही मिल गया, यानी कि 11 यहाँ आएगा कहीं, इस सेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 11, 12, 13 तक तो लेना है हमें, ठीक है, 11 मैप करेगा किससे, 11 से। फिर आपने जब 12 एज अ इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला, 3, यानी कि 12 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ट्वेल्व है हमारे पास यहां पर, यस 12 है और 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज और बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर कहीं ये जिक्र नहीं किया गया है कि एफ एक फंक्शन है, आपने इस बात को गौर किया, हाँ एफ एक फंक्शन तो नहीं है, क्यों नहीं फंक्शन है, क्योंकि F फंक्शन है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ही मन हो गया, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ये देखिए, ये ऐसे वाले एरो अलाउड हैं, 9 की भी यूनिक इमेज है 3 और 12 की भी यूनिक इमेज है 3, है ना। और अगर हम इसको ऑर्डर पेयर टाइप में लिखना चाहें तो 9 पे 3 आ रहा है और 12 पे 3 आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं, हाँ फंक्शन है, सॉरी। चलो तो ये हो गया, ठीक। चलो अब जब आपने 13 इनपुट दिया तो आपको 13 मिला, तो 13 मैप करेगा किससे, 13 से। तो ये इसका विजुलाइजेशन है, ठीक है बच्चों, तो ये इसका विजुलाइजेशन है। अब आप मुझे बताइए क्या कि अगर इस फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे आप, एफ इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 9 पे क्या आता है 3, तो 9, 3, ठीक है। 10 पे क्या आता है, 10 पे 5 आता है तो 10, 5, ठीक है। 11 पे क्या आता है, 11 पे 11 आता है तो 11, 11। 12 पे क्या आता है 3, तो 12, 3। और 13 पे क्या आता है 13, तो 13, 13। अब आपको इस फंक्शन की क्या बतानी थी, रेंज। तो द रेंज इज द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द फंक्शन। तो रेंज एक सेट होगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का, ठीक है। तो 3 आ जाएगा इसमें, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 3 तो हो चुका है तो 13 आ जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रेंज, 3, 5, 11, 13 एलिमेंट्स को लेके हमने एक सेट बना लिया। तो रेंज ऑफ एफ लिखना चाहिए था हमें यहाँ, रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज पूछी थी। तो ये वाला जो सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 3, 5, 11, 13, ये क्या है, रेंज फंक्शन एफ की।